ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ सर हदायतें असी जो यूनिवर्सिटी दियां ने जो UGC दियां ने जो सरकार दियां ने उन्होंने फॉलो करके असी अज 21 तरीक नूं कॉलेज खोलिया हैगा ते स्टाफ तो पिछले 2 महीने तो लगातार 2-2.5 महीने तो लगातार आ रहा और इत्थे ही सिलेबस ऑनलाइन करवाया जा रहा सी ते अज देखो विद्यार्थी असी तो तैयार बैठे हैं जी विद्यार्थी आउंदे आ किन्ने आउंदे आ ये मौसम का भी अज बड़ा कृपा हैगा अज उहदे करके भी शायद विद्यार्थी थोड़े घट आउण पर सारा कॉलेज वालों सारे प्रबंध प्रिंसीपल साहब वालों सारे प्रबंध किए गए हैं तुम अंदर जाके देख सकते हो तुम बाहर गेट पर भी चैक करो पंजाबी विभाग नहीं जी यूनिवर्सिटी ने जिन्ना भी सिलेबस च कोई कटौती नहीं की तो जिन्ना भी सिलेबस पुराना सीगा वही सिलेबस फुल फ्लैश चल रहा है तो वो पूरी असी बच्चों भी पूरा ऑनलाइन क्लासा के थ्रू डेली क्लासिज लई दी ऑनलाइन तो पूरा सिलेबस करवा दिता है आलमोस्ट हो गया पेपरों तो पहला जोड़ा थोड़ा बहुत रहा वह भी करवा दिता जाएगा की तुहाडे आइल्स विच बैंड्स नहीं आ रहे या तुहाडे आइल्स विचों एक या दो मॉड्यूल्स विच साढ़े 5 बैंड हन ते आज ही विजिट करो लिब्रा ओवरसीज या विजिट करो सेकंड फ्लोर अरोड़ा मेडिकल हॉल प्रभात चौक होशियारपुर।